हेलो स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस का अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है कलर ब्लाइंडनेस। और इससे पहले अपन सिकल सेल एनीमिया कंप्लीट कर चुके हैं, तो देखते हैं कि कलर ब्लाइंडनेस क्या है और क्या इसके करेक्टर्स हैं। देखिए, कलर ब्लाइंडनेस सबसे पहले वही बात याद रखेंगे कि ये किससे रिलेटेड है। यह सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। सेक्स लिंक्ड यानी कि हमारी बॉडी में जो ऑटोसोम और सेक्स क्रोमोसोम होते हैं उनमें जो सेक्स क्रोमोसोम है उनसे रिलेटेड ये रिसेसिव डिजीज़ है। ठीक है, नेक्स्ट है आई फेल टू डिफरेंशिएट रेड ग्रीन कलर्स, यानी हमारी जो आई है जिससे हम कलर को आइडेंटिफाई करते हैं, हमारी आई के अंदर जो रोड और कॉर्न सेल्स जो होती है वो कलर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हेल्प करती है, तो वहाँ कि जो जीन होती है उसमें चेंज आना जिसकी वजह से ज़्यादातर रेड और ग्रीन कलर जो है उसका आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पाते, तो इसे अपन क्या कहते हैं, कलर ब्लाइंडनेस। हालांकि नीले रंग की भी वर्णांधता या कलर ब्लाइंडनेस देखने को मिलती है, लेकिन ज़्यादातर जो अपने को देखने को मिलती है वो कौन सी है, लाल और हरे रंग के अंदर। ठीक है, ये सेक्स लिंक्ड है, तो सेक्स लिंक्ड में जो एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है, एक्स क्रोमोसोम उस पर यह जीन पाई जाती है, यानी इस डिसऑर्डर के लिए जो कॉजेज डिजीज़ के लिए एक्स सी यानी सी जो जीन है वो कहाँ पाई जाती है, एक्स के ऊपर प्रेजेंट रहती है। अगर हम मेल और फीमेल के लिए देखें कि क्या पॉसिबिलिटीज़ रहती है कलर ब्लाइंडनेस के लिए, तो देखिए एक्स सी अगर दोनों जो एलील्स है उसके ऊपर सी जीन प्रेजेंट है तो अपन कह सकते हैं कि वो फीमेल क्या होगी, कलर ब्लाइंड होगी। इसी तरीके से एक्स एक्स सी यानी एक एक्स के ऊपर सी प्रेजेंट है तो क्या कहेंगे, उसे कैरियर कहेंगे, वो कलर ब्लाइंड के लिए कैरियर है, यानी आने वाली पीढ़ियों के लिए अपन कह सकते हैं एक तरह से कैरियर है। नेक्स्ट एक्स एक्स अगर प्रेजेंट है, कोई सी प्रेजेंट नहीं है तो अपन कहेंगे उसे नॉर्मल फीमेल। इसी तरीके से मेल के लिए एक्स सी वाई तो वो डिजीज्ड है। क्यों, हमने यहाँ पर लिखा कि एक्स जो है वो कैरी करता है इस जीन को, लेकिन अगर मेल में एक ही एक्स प्रेजेंट है और दूसरा वाई है तो एक्स तो कंप्लीट हो गया, तो इसलिए अपन इसे क्या कहेंगे, कलर ब्लाइंड कहेंगे और ये डिजीज्ड होगा। नेक्स्ट है एक्स और वाई, यहाँ पर कोई सी प्रेजेंट नहीं है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नॉर्मल मेल है। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटीज़ अपन याद रखेंगे ताकि हमारे जो आने वाले इसके न्यूमेरिकल्स है वो गलत ना हो। ठीक है, एक छोटी सी बात और याद रखनी है यहाँ पर, जिसे अपन कहते हैं क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। ठीक है, ये क्या है, ट्रांसफर ऑफ ट्रेड फ्रॉम वन सेक्स टू द ऑफस्प्रिंग ऑफ अपोजिट सेक्स। यानी इसके अंदर क्या याद रखना है कि इसमें जो ट्रेट्स है, मान लीजिए कोई भी लक्षण है, वो कहाँ से, एक सेक्स से वन सेक्स टू द ऑफस्प्रिंग ऑफ अपोजिट सेक्स, एक सेक्स से दूसरे अलग अपोजिट, मान लीजिए ये मेल में है तो ये फीमेल के अंदर, यानी ये बेबी गर्ल के अंदर है और ये बेबी बॉय के अंदर है, तो इस तरीके से अपन कह सकते हैं सेक्स क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल सुन लीजिए, ए मेल ट्रांसमिट हिज ट्रेट हिज ग्रैंडसन, यानी एक मेल जो है वो अपने ग्रैंडसन के अंदर लक्षणों को ट्रांसफर करता है। ठीक है, अपन कह सकते हैं ये दादा हो गए और ये पोता हो गया। ठीक है, तो मेल ट्रांसमिट हिज ट्रेट टू हिज ग्रैंडसन थ्रू डॉटर, तो यहाँ पर डॉटर, तो उसकी जो बेटी है, जो बेटी है उससे अगर ये जीन लक्षण ट्रांसफर होते हैं तो अपन क्या कहेंगे उसे, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। ठीक है, कोई डाउट इसके अंदर हो जाएगा क्लियर। इसी तरीके से अगर फीमेल के लिए देखें तो ए फीमेल ट्रांसमिट देयर ट्रेट इन हर ग्रैंड डॉटर थ्रू हिज सन, वो अपने बेटे की हेल्प से उसमें जो आगे जो भी ग्रैंड जनरेशन बनती है उसके अंदर ट्रांसफर करें। अपन ये कह सकते हैं ये जैसे नाना हो गया और ये इसका दोहिता हो गया, दोहिती होगी, तो इस तरीके से अपन इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट इसके अंदर, तो क्रिस क्रॉस में आपने सिर्फ एक चीज याद रखनी है, वन सेक्स टू ऑफ स्प्रिंग ऑफ अपोजिट सेक्स। क्लियर है।
नेक्स्ट मेन बातें तो यही रहेगी कलर ब्लाइंडेंड के अंदर, रेड और ग्रीन जो है सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। ये जो नोट लिखा है ये तो सिर्फ एक बताने के लिए कि जिसको कलर ब्लाइंड है वो नॉर्मल जिंदगी जी सकता है, ठीक है, उसमें ये नहीं है कि वो पर्सन कोई काम नहीं कर सकता। तो देखिए क्या, दैट डज नॉट मीन दैट दे कैन नॉट डू देयर नॉर्मल वर्क। ये कोई जरूरी नहीं है कि जिसको ये डिजीज है वो नॉर्मल काम नहीं कर सकता। इनफैक्ट देन कैन आल्सो ड्राइव, वो ड्राइव भी कर सकता है। दे लर्न टू रेस्पॉन्ड टू द वे द ट्रैफिक सिग्नल्स, अगर वो ट्रैफिक सिग्नल से जो सिग्नल्स है उनको याद कर ले। लाइट अप, द रेड लाइट इज जनरली ऑन द टॉप एंड ग्रीन ऑन द बॉटम। जैसे ग्रीन जो लाइट है वो जो सिग्नल रहता है वहाँ पर सबसे नीचे की तरफ, और जो रेड लाइट होती है वो ऊपर की तरफ टॉप पे होती है। तो इस तरीके से हम याद करके अपना नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं, ठीक है। तो इसमें अपन को कोई डाउट नहीं है, ये सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है और आई जो है वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाती है किसमें, रेड और ग्रीन कलर के अंदर, और ये कंडीशन रहेगी, ठीक है। कोई डाउट इसके अंदर तो अपन इसका क्वेश्चन करके देख लेते हैं ताकि ये हमारे लिए और क्लियर हो जाए, ठीक है। तो कलर ब्लाइंड के लिए क्वेश्चन अपन सोल्व करके देखते हैं। तो इफ कलर ब्लाइंड मैन यानी XCY मैरी ए गर्ल विद द नॉर्मल विजन XX, द डॉटर वुड हैव नॉर्मल विजन बट वुड बी कैरियर वाइल सन्स वुड आल्सो बी नॉर्मल। यानी क्वेश्चन में ये बता रहा है कि जो मैन है वो तो क्या है, कलर ब्लाइंड है, वर्णांध है, और जब उसकी शादी किसी नॉर्मल विजन वाली लड़की से होती है तो उनकी जो संतानें हैं, ऑफस्प्रिंग्स है, उनमें जो डॉटर है वो तो रहती है नॉर्मल, लेकिन कैरियर है, नॉर्मल है लेकिन कैरियर है, सन जो है वो नॉर्मल है। तो उस कंडीशन को अपना शो करना है कि क्रॉस करके किस तरीके से सॉल्व करके। तो देखिए इस तरीके से अपन इसे बना सकते हैं। सबसे पहले एक्स एक्स ये कंडीशन है, एक्स एक्स, और इसे अपन कहेंगे कि ये बिल्कुल नॉर्मल है क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है कि उसका विजन जो है वो नॉर्मल है। और मेल के लिए कहें एक्स वाई, यानी वो क्या है, कलर ब्लाइंड है, कलर ब्लाइंड, इन्हें अपन डिनोट कर देते हैं पेरेंट्स से, पेरेंट्स, ठीक है। ये सारी बातें आपने जब भी क्वेश्चन आता है तो सॉल्व करने के लिए लिखना होता है, ये शॉर्ट में नहीं करके आओगे, पूरा डिस्क्रिप्शन में पूरा बताओगे इसको, ठीक है। ये नॉर्मल वुमन, और इसी तरीके से आप इसे कहोगे कलर ब्लाइंड मैन, कलर ब्लाइंड मैन, तो ये क्या हो गए, पेरेंट्स हो गए, क्रॉस शो कर दिया अपनों ने। इससे फिर क्या बनाओगे, गैमीट्स, गैमीट्स फीमेल में ओवा, ओवा गैमीट्स, ठीक है। और इसी तरीके से मेल के अंदर स्पर्म, तो यहाँ पर ध्यान से XC, क्योंकि ये क्या है, कलर ब्लाइंड है, और वाई बिल्कुल नॉर्मल है, वाई का कोई लेना देना नहीं है क्योंकि वाई सिर्फ किस में काम आ रहा है, सेक्स डिटरमाइनेशन में, यहाँ कलर ब्लाइंड में इसका कोई रोल नहीं है, ठीक है। अब क्रॉस करवा के देखिए, इस तरीके से जब क्रॉस करवाते हैं तो XC, ठीक है, और सेकंड XY, इसी तरीके से XC और XY। यहाँ अपन देख रहे हैं कि जो दो बेबी बॉय यानी लड़के जो हैं वो क्या हैं, बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है। और इसी तरीके से अपन कह सकते हैं XXC दोनों जो लड़कियां हैं वो क्या है, कैरियर है। तो अपन कह सकते हैं यहाँ दो कैरियर गर्ल्स एंड टू नॉर्मल बॉयज, ठीक है। अपना क्वेश्चन तो ये इतना ही है, लेकिन ये कंडीशन यहाँ शो कर दिए कि इसको बोर्ड में शो करना है आपने, और इस तरीके से तो सारा चार्ट अपनों ने इसको बनाकर बता दिया, ठीक है। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि एक कैरियर वुमन है और एक कलर ब्लाइंड मैन है, तो दोनों के अंदर ऑफस्प्रिंग की कंडीशन क्या रहेगी। तो कैरियर वुमन के लिए हम क्या डिनोट करते हैं, XC, ठीक है,
और इसी तरीके से कलर ब्लाइंड मैन के लिए क्या डिनोट करते हैं, एक्स सी और वाई। ठीक है, तो ये अपने क्या होगी, पेरेंटल जनरेशन होगी, पेरेंट्स। तो पेरेंट्स में अपन ने देख लिया कैरियर वुमेन और कलर ब्लाइंड मैन। इन दोनों के लिए अपन देखते हैं कि गैमीट्स की फॉर्मेशन एक्स एक्स सी, ये ओवा हो गए, ओवा गैमीट्स। और इसी तरीके से हम कलर ब्लाइंड मैन के लिए देखें तो स्पर्म जो है एक्स सी और वाई टाइप के होंगे। और फिर क्रॉसिंग देखें तो क्रॉसिंग में देखिए आप कि एक्स एक्स सी यानी कैरियर, फिर एक एक्स वाई बिल्कुल नॉर्मल बेबी बॉय, फिर एक फीमेल चाइल्ड एक्स सी यानी ये क्या होगी, कलर ब्लाइंड होगी। और इसी तरीके से यहाँ पर एक लड़का जो होगा वो कलर ब्लाइंड होगा। तो यहाँ पर जो कंडीशन बनती है वो फर्स्ट ये वाली जो कंडीशन, इसे अपन क्या कह सकते हैं, कैरियर कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक में ही सी प्रेजेंट है, सेकंड वाला बिल्कुल फ्री है। तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी बताओ, कैरियर। ठीक है, और ये वाला क्या हो जाएगा, नॉर्मल बॉय नॉर्मल। और ये वाली कंडीशन क्या हो जाएगी, कलर ब्लाइंड गर्ल, कलर ब्लाइंड गर्ल। और इसी तरीके से ये वाली कंडीशन क्या हो जाएगी बताइए, ये हो जाएगी कलर ब्लाइंड बॉय, कलर ब्लाइंड बॉय। क्लियर है, कोई डाउट इसके अंदर? तो अपन कह सकते हैं यहाँ पर ये चार अलग अलग कंडीशंस देखने को मिलती हैं जब कैरियर वुमेन और कलर ब्लाइंड मैन हो। ठीक है।